नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले टेक न्यूज और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल इंडियन टेक जुगाड़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरुण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। फ्रेंड्स, ये है मेरा Xiaomi का Redmi Note 4 और आप यहाँ पर जो थीम देख रहे हैं वो है यहाँ पर iOS 11, यानी कि जो MIUI 9 फिलहाल आपको मिल रहा है Redmi Note 4 में, मैंने उसके ऊपर से ही इसमें जो है iOS 11 का थीम इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि MIUI के थीम स्टोर पर आपको नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल में iOS 11 वाला ये थीम इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके फ़ोन को दे सकते हैं, Redmi Note 4 को दे सकते हैं एक नया बिल्कुल iOS 11 वाला लुक। देखिए, यहाँ पर आप Redmi Note 4 ही देख रहे हैं और यहाँ पर अगर अबाउट फ़ोन सेक्शन में जाएंगे तो प्योर iOS 11 वाला जो आपको थीम है वो यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आप भी ये थीम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं, इससे सारे का सारा जो नोटिफिकेशन पैनल है या जो विजेट्स हैं वो सारे के सारे iOS वाले आपके फ़ोन में आ जाएंगे। देखिए कितना अच्छा लुक यहाँ पर लग रहा है। तो सारे के सारे फीचर्स आपको वो मिलते हैं जो आपको iOS 11 में मिल जाते हैं। तो अगर आप नोटिफिकेशन पैनल देखेंगे या आप जो कॉलिंग फीचर है वो देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो डायलर है, फ़ोन डायलर है, वो बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसा कि आपको आईफोन में मिलता है। अगर आप कॉल करेंगे तो भी आपको जो स्क्रीन वहाँ पर दिखाई देगी वो बिल्कुल ही iOS वाली स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो काफ़ी अच्छा थीम मुझे लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप फ़िलहाल कर सकते हैं और काफ़ी आसान है। आपको अपने फ़ोन को किसी भी प्रकार का रूट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो आपको जाना है अपने Redmi Note 4 के किसी भी ब्राउज़र में और वहाँ से एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है, जो मैंने यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, उससे आपको एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद जाना है आपको प्ले स्टोर पर और MIUI थीम एडिटर ये ऐप आपको डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है ब्राउज़ में। तो ब्राउज़ में जाने के बाद जिस भी ब्राउज़र में आपने वो फ़ाइल डाउनलोड की है, जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, तो ये है वो फ़ाइल, ये आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ओके पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे फिर स्टार्ट पर। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से थीम आपका लोड हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको ये फिनिश कर देना है। तो आपका जो थीम है वो अब यहाँ पर आपके Redmi Note 4 में देखिए इंस्टॉल हो चुका है और अब आपको जाना है आपके थीम सेक्शन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये थीम आपको अब प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपका जो थीम वाला ऐप है वहाँ पर आपको जाना है। तो इस ऐप से आपको बाहर आना है। तो अब हम जाएंगे थीम ऐप में। तो ये रहा हमारा थीम ऐप। तो इसमें जाने के बाद में आपको नीचे जो ये वाला आइकन दिख रहा है तो इस पर क्लिक करना है, फिर ऊपर सबसे जो थीम्स लिखे हुए हैं तो यहाँ पर देखिए प्योर iOS 11 थीम ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ से नीचे से अप्लाई इसे करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपका थीम यहाँ से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपका फ़ोन रिबूट करना पड़ेगा आपको, तो आप रिबूट पर क्लिक कर देंगे तो इसमें कुछ टाइम लगेगा और आपका फ़ोन दोबारा से अब रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए फ़ोन अभी रिबूट हो रहा है। तो उसके बाद देखिए जो यहाँ पर जो वॉलपेपर वगैरह है वो सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा और जो फ़ोन का जो OS था MIUI 9 वाला वो बिल्कुल यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा iOS 11 में। सारे जो ऐप्स हैं उनके आइकन्स, नीचे का स्टेटस बार या जो नोटिफिकेशन पैनल बोल सकते हैं, नीचे से भी आप ओपन कर पाएंगे और ऊपर से भी आप जो अपने नोटिफिकेशन पैनल को हैंडल कर पाएंगे और सारे आइकन्स जो नोटिफिकेशन पैनल में हैं वो सारे के सारे वहाँ पर चेंज हो जाएंगे। काफ़ी कलरफुल आपको जो है नोटिफिकेशन पैनल मिलेगा, वो भी पूरे के पूरे एक ही स्क्रीन पर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे आपको जो नोटिफिकेशन पैनल के जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको एक ही पेज पर मिल जाएंगे और सारे विजेट्स भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं और जो आपकी सेटिंग्स हैं फ़ोन की वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये थीम आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दोनों ही लिंक वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो MIUI का थीम एडिटर है वो भी लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है, जबकि जो थीम आपको डाउनलोड करना है iOS 11 का उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों, जब इस थीम को आप डिलीट करना चाहें तो थीम मैनेजर में जाकर, थीम वाले ऐप में जाकर उसे डायरेक्ट वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं और अपना जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, यानी कि कभी भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों,
अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।